जय श्री महाकाल, राधे राधे। जिंदगी में पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको अनुभव दिखेगा, आगे देखोगे तो आपको इच्छा और आशा दिखेगी, आमने सामने आए दाएं देखोगे तो आपको सत्य का प्रमाण मिलेगा, लेकिन स्वयं के अंदर झांक के देखोगे तो आपको परमात्मा और आत्मविश्वास दिखेगा। मैं राजा उपाध्याय आपका बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आने वाला समय माँ नवरात्रि के अंदर माँ देवी भगवती की सेवा कर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में आने वाली समस्याओं को सौ सौ को दूर रख सकते हैं और जीवन से दुखों को भगा सकते हैं। करने हैं छोटे छोटे उपाय। मैं आपके जीवन में चमत्कार देखना चाहता हूँ। अपने बहुमूल्य समय को आपके सामने प्रस्तुत करके अपने जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजिस्ट चीजें हैं आपके सामने छोटे छोटे उपाय बताता हूँ, जिससे आप अपने जीवन में साक्षात्कार में चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेरा अपॉइंटमेंट टाइमिंग फिक्स करना चाहिए। अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो मैं लाइव एस्ट्रोलॉजिस्ट क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़कर आप ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन में आप इस ज्योतिष का महत्व जान सकते हैं। मैं आज आपको सूर्य देव और ओम की जो सृष्टि निर्माता कहे जाते हैं उसके विषय में बताऊंगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, हमारी सृष्टि का निर्माण यानी उदय और अंत करने का एक ही साउंड था जो उस समय वाइब्रेट हुआ था, वह है ओम। सृष्टि का सबसे पहला निर्माता है हमारा ओम। ओम तीन शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस उ प्लस म, अ अर्थात सृष्टि। इन तीन शब्दों से पूरा ओम का निर्माण हुआ है। अ का अर्थ है सृष्टि, उ का अर्थ है यह स्थिति, और म का सूचक है लय। यह तीन चीज अ उ और म तीनों देवों के सूचक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इन एक ओम से तीनों देवों को महादेवों को याद कर हम हमारी स्तुति वंदना पूरी करते हैं। इसलिए ओम का जीवन के अंदर बहुत महत्व है। ज्ञान हो, विद्या हो या शास्त्र, हमें ओम का प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बोलते हैं उसी साउंड में भी ओम है, सभी के धर्म में ओम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनकी सबकी वंदना में ओम आता है। एक ओमकार अर्थात ओम इसके अंतर्गत भी स्थापित है, विद्यमान है। आप इसको भी उच्चारण करके देखिए, नमो ओंकार अर्थात जो जैन धर्म का है मंत्र उसमें भी ओम है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों के अंदर प्रतिनिधित्व का काम करता है ओम। ओम अर्थात सृष्टि। आप ओम के विषय में जितनी जानकारी लोगे, क्योंकि वह तो अनादि काल तक ओम चलेगा, सृष्टि की शुरुआत में भी ओम था और विध्वंस जब अंत होगा तब भी ओम विद्यमान रहेगा। यह ओम की परिभाषा। ओम अर्थात विश्वास, ओम अर्थात परमात्मा, ओम अर्थात आत्मविश्वास। ओम आपके शरीर के संचारक चीजों का सबसे पवित्र ध्वनि है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठकर नित्य आदि कार्य कर दैनिक कार्य कर अगर ध्यान मुद्रा में ओम ध्वनि से आप अपने शरीर में संचार करोगे तो शरीर के अनेक रोग आदि व्याधि आपसे सौ सौ कोस दूर होने लग जाएगी। यह ओम की व्याख्या। आज ज्योतिष एस्ट्रोलॉजिस्ट के अंदर सूर्य का क्या प्रतिनिधित्व है मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, सूर्य जो है वह पिता का स्वरूप और चंद्र है वह हमारी माता है। अर्थात आपकी कुंडली के अंदर आपके हॉरोस्कोप में अगर सूर्य चंद्र से आप पीड़ित हैं तो आप अपने सूर्य चंद्र को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने माता पिता के सेवा कीजिए, सूर्य चंद्र उससे ही ठीक होंगे। लोग कहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगती, हम हमारे कुंडली के अंदर सातवां भाव या सातवां घर देखते हैं, जिसके अंतर्गत कोई बड़ी राशि बड़ा ग्रह हो तो ही आपका काम सक्सेस होता है। अर्थात बड़े घर उच्च घर के अंदर सूर्य का वास हो या सूर्य रहता हो तो ही आपके गवर्नमेंट नौकरी और बड़े बड़े बिजनेस में आपको सक्सेसफुलिटी मिलती है। इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने गुरु या अर्थात बृहस्पति और शुक्र को अपनी कुंडली के अंदर व्यवस्थित कीजिए, जिससे आप अपने जीवन में सक्सेसिटी यानी बहुत उन्नति और प्रगति
कर सकते हैं। आगे मैं बताना जा रहा हूँ, सूर्य, सूर्य जो है वह सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं, सबसे बड़ा प्लेनेट माना जाता है और सबसे गर्म। यह तेजस्वी रूप, पहले कहते थे हम रघुवंशी सूर्य की पूजा करते थे, जो पहले मिस्र के लोग थे वह सूर्य की पूजा करते थे। आदि अनादि काल से सूर्य की पूजा करने वाले लोग, राजा महाराज, हम हर इतिहास में पढ़ते हैं, सभी वह सूर्य की उपासक थे। इसलिए उनके जीवन में उन्नति को वह प्राप्त करते थे। आज वह सूर्य की पूजा कर कर पूरे इतिहास में फेमस यानी प्रचारित हो रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं। आप सूर्य की पूजा भी कीजिए। अपने सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले तो अपनी कुंडली का सूर्य ठीक कीजिए, जिससे आपके भी जीवन में उन्नति और प्रगति होगी। विशेषकर माता पिताओं से निवेदन है, अपने बच्चों की कुंडलियों के अंतर्गत सबसे पहले अगर आप उनके पढ़ाई में दिलचस्पी रखते हैं, उनको आगे सभी माँ बाप रखते हैं दिलचस्पी कि अपना बच्चा हमसे भी बड़ा इंसान बने। पिता ही यही एक इंसान होता है कि वह जितना भी बड़ा तो उसका बच्चा उससे भी बड़ा, बाकी कोई भी यह नहीं सोचेगा कि वह आगे बढ़े। तो आप अपने बच्चे का सूर्य व्यवस्थित और ठीक कीजिए। अगर मंगल के अंदर राहु की दृष्टि पड़ती है तो उसमें अकार्मक रोग बैठता है। यह योग ऐसा रोग है भयंकर, जिससे मनुष्य का जो स्थिति है पूरी तरह से विनाश के रूप में चली जाती है और उसे पढ़ाई, परिवार, किसी से मोह माया नहीं देती है। बाहर लोगों पर वह आकर्षित होगा लेकिन अपने लोगों पर वह बिल्कुल आकर्षित नहीं होता। कारण मंगल के ऊपर दृष्टि राहु की है, इसे अकारात्मक रोग बनता है। आप इसका भी निदान आप हमसे कॉन्टेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। आप सब, आपको करना इतना सिर्फ अपॉइंटमेंट पहले फिक्स कीजिए, आपको 5 साल का पूरा ज्योतिष आपको फ्री में बताया जाएगा। आप बिल्कुल मुझसे जुड़िए और मैं आपको ज्योतिष के विषय में बताऊंगा। सूर्य की सेवा करना का अर्थात मैंने कहा आपको कि पूर्व इतिहास के लोग सूर्य देव की सेवा कर कर उज्ज्वल भविष्य के अंदर अपने नामों से फेमस हुए हैं। आप सूर्य की सेवा कीजिए। मैंने आज आपको ओम और सूर्य के विषय में बताया है। आपको जो नवरात्रि आ रही है उसके विषय में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कि माँ भगवती को किस तरह से प्रसन्न कर कर हम उनसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आपको देखना इतना है और सुनना इतना है कि सबसे पहले तो एक चीज और बता दूं मैं आपको, माँ भगवती इस बार अश्व की सवारी कर कर ब्रह्मांड से धरती के तरफ आ रही है। इसलिए आर्थिक नुकसान तो है ही इसी साल, लेकिन 2021 से लेकर 2024 तक बहुत सारी स्थिति डगमग होने वाली है। लेकिन परमात्मा जिसके साथ हो उसका तो कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसलिए अपने कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। जय श्री महाकाल।